हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाने वाले एक और फेमस स्ट्रीट फूड रगड़ा चाट, जो बहुत ही ज़्यादा यम्मी है, टेस्टी है, डिलीशियस है और साथ ही इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो ऐसे टेस्टी रगड़ा चाट के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे रगड़ा। उसके लिए मैंने यहाँ पे मटर लिए हैं आधा किलो और इसको अच्छे से धो के मैं ओवरनाइट इसको सोक करके रखूँगी, भिगो के रखूँगी। अभी मैंने इसे रात भर भिगो लिया है, फिर उसके बाद मैंने इसमें का पानी निकाल लिया है। अभी मैं इनको डाल रही हूँ प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में डाल के अभी मैं इसमें डाल रही हूँ आलू। ये 250 ग्राम आलू है। आलू को छील के बड़े क्यूब में काट के मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ सफिशियंट पानी। पानी हमें उतना डालना है ताकि मटर और आलू अच्छे से डूब जाए। उसके बाद मैंने इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून मैं खाने का सोडा डाल रही हूँ। सोडा डालने से मटर एकदम अच्छे से पक जाते हैं। सोडा कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने इसे अच्छे से 5 से 6 विजल आते तक पका लिया है। ये मटर 5 विजल में अच्छे से पक गए हैं। 5 विजल आने के बाद मैंने प्रेशर कुकर अपने आप ठंडा होने दिया है। अब ये हैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, हरा धनिया और ये हैं जीरा, सरसों, हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, ऑयल और थोड़ा सा हींग है। सबसे पहले मैंने रखा है पैन, उसमें मैं डाल रही हूँ अराउंड 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल डाल के, ऑयल जैसे गर्म हो गया, इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा और सरसों। उसके बाद 1/4 टीस्पून हींग। हींग डाल के मैंने प्याज डाला है। प्याज डालते समय थोड़ा सा स्किप हो गया है। उसके बाद थोड़ा सा भून के मैं इसमें अदरक को खींच के डाल रही हूँ और लहसुन को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया। आप चाहो तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा भून कर उसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च। अभी जो हम बना रहे हैं ये है रगड़ा बेस है। ये एक बेस चीज़ हर चीज़ में यूज़ किया जाता है, मैक्सिमम चीज़ों में, जैसे दही पूरी, पानी पूरी, भेल पूरी, रगड़ा पैटिस, सब में। अभी मैंने डाला है टमाटर। टमाटर डाल के मैं इसको और अच्छे से भून रही हूँ। ये रगड़ा अगर आप पहले से बना के रख रहे हो तो आप चाट बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी 1/2 टीस्पून, मैंने 1/2 टीस्पून बॉईल करते समय भी डाला था, और 1 टीस्पून मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। डालकर अभी मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से भून रही हूँ। ये रगड़ा आप कटोरी चाट, दही पूरी सब में यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाते हैं। नमक डालकर मैं इसको और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, तब तक जब तक कि टमाटर थोड़े अच्छे से पक ना जाए। उसके बाद अब हम लोग उबला हुआ मटर और आलू इसमें डालेंगे। आलू भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो आलू को स्किप कर सकते हो, बट आलू डालने से जो रगड़े की कंसिस्टेंसी है एकदम स्मूथ, सिल्की, शाइनी रहेगी और थिक भी रहेगी और टेस्ट भी अच्छा रहेगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके जो पोटैटो मैशर होता है उससे, या फिर आप जिसे दाल घोटते हैं उससे, इसको अच्छे से हमें मैश करना है ताकि जो मटर है, आलू है, सारी चीज़ें एकदम अच्छे से मैश हो जाए। इस तरीके से दबाते हुए हम लोग इसको अच्छे से मैश करेंगे। आप इसको जितना ज़्यादा मैश करोगे उसकी रगड़ा की जो कंसिस्टेंसी है उतनी थिक भी रहेगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। अब मैंने इसको काफ़ी अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अराउंड 1 ग्लास पानी। पानी आप अपनी मतलब जितनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप ऐड करना। यहाँ पर मैंने इसकी कंसिस्टेंसी ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी रखी है, ना ही बहुत ज़्यादा पतली रखी है, मैंने मीडियम रखी है अभी, इसलिए मैंने इसमें अराउंड 1 ग्लास पानी डाला है। पानी डाल के अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक हम लोग पहले भी यूज़ किए हैं टमाटर के साथ भी और अभी भी, तो नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाला डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके इसे 5 से 6 मिनट या तब तक जब तक कि सारे मसाले और आलू चना अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक मीडियम हाई फ्लेम पे हम पकने के लिए रख देंगे। अब ये मैंने 5 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पे पका लिया है। ये काफ़ी अच्छे से पक गया है। कंसिस्टेंसी आप देख लेना, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। अगर ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाता है तो थोड़ा सा पानी गर्म करके इसमें डाल देना और एक बॉयल आते तक पका लेना। बस इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो जाएगी। अब ये बन गया है, मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। उसके पहले मैंने डाला हरा धनिया। अब ये है अनारदाना, हरी चटनी, मीठी चटनी, बारीक सेव, बारीक कटा प्याज, हरा धनिया, दही, काला नमक, मिर्च पाउडर, चाट मसाला और आधा नींबू।
अब हम बनाते हैं रगड़ा चाट। हमारा रगड़ा तो बनके रेडी है, अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। अभी मैंने लिया है एक सर्विंग प्लेट, उसमें मैं डाल रही हूँ रगड़ा। अगर ये रगड़ा हमारा पहले से बनके रेडी है तो इसकी प्लेटिंग करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। आप चाहो तो इसे एक दिन पहले भी बना के फ्रिज में रख सकते हो। अभी मैंने डाला है मीठी चटनी, हरी चटनी, उसके बाद बारीक कटा प्याज और अनार के दाने। आप प्लेटिंग में आगे पीछे कोई भी चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं उसके ऊपर डाल रही हूँ काला नमक, चाट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और बारीक सेव और हरा धनिया। उसके बाद मैं इसे सर्व कर रही हूँ नींबू के साथ। आप चाहो तो दही भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। अब आप भी ये टेस्टी यम्मी रगड़ा चाट ज़रूर बनाइए। और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।